सो हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल फाइटर जी। और सीधा चलेंगे बॉस बैटल की तरफ, मतलब सीधा बचाएंगे गोहान को। और गोहान को बचाने से पहले मुझे जरूर लग रहा है कहां ना कहां पे तो कटसीन होने वाला है। तो यार हां, कटसीन। व्हाट यू एक्सपेक्ट, ही इज मेड फ्रॉम टफर स्टफ देन यू। गिव मी अ ब्रेक, पिकोलो। यू नो दीस सैयंस आर टू रोबस्ट फॉर देयर ओन गुड। Another clone, huh? Well, they're a stubborn bunch. Goku, I'll keep this guy covered. Get Gohan somewhere safe. Huh? Knowing Goku, I bet he used instant transmission to get Gohan out of here. All right, now that Gohan's all safe and Bulma, finally focus on some fighting. Hey, Piccolo, your face has turned red. Why are you embarrassed? I'm not. Okay. Hey man, whatever you say. Look, never mind that. We need to come up with a way to take care of this guy. तो यहाँ पे खत्म हो चुका है गोहान वाला कट सीन। और गोहान को तो बचाएंगे जरूर, लेकिन यहाँ पे हम लोग बैटल करना पड़ेगा गोहान, पिज्जा और सेल के साथ। तो क्वाइट अ इंटरेस्टिंग और फनी चीज़ हुई अभी। पिकलो को लगा कि हम लोग को गोहान को किसी सेफ साइड पे लेके जाना पड़ेगा, और आपने देख तो लिया रहेगा, तो मुझे हिंदी में बचाने की जरूरत नहीं। लेकिन ऑसम सा थोड़ा सा कॉमेडी भी एडअप किया है इन लोग ने। और अगर आप इस चीज़ों को चेकआउट कर रहे हो तो इसके अंदर टोटल मुझे अभी तक दिखे हुए कॉम्बोज के अंदर कुछ 12-13 कॉम्बोज अभी तक दिखे हैं मुझे। उसमें बड़े वाले अटैक्स भी आते हैं, उसमें कुछ फिजिकल अटैक्स भी आते हैं, उसमें मेले अटैक्स भी आते हैं। तो उस हिसाब से आप कंबाइन कर सकते हो उन सारी चीज़ों को और यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि सैटरडेज एंड संडेज़ को कुछ स्पेशल एपिसोड लेके आऊँ ड्रैगन बॉल फाइटर्स जी के। वेलोरेंट के एपिसोड चालू रहने वाले हैं, तो डरने की बात नहीं है। मुझे पता है कि चैनल पे बहुत ही ज़्यादा वेलोरेंट के बंदे भी हैं जो चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा वेलोरेंट का कंटेंट क्रिएट करूँ। लेकिन वेलोरेंट जैसे गेम अगर आप लाइव खेलोगे तो ही ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा, और मेरा फिलहाल लाइव खेलने का कोई भी चांस नहीं दिख रहा है। तो ऐसे गेम्स खेल खेल के मैं मेरे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाला हूँ। ऐसे आपको मल्टीपल गेम्स देते रहूँगा। तो सपोर्ट करने के लिए आपको लाइक बटन प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो आप अभी क्या है ना, ये जो चीज़ है, ये जो अपना जो कॉम्बो अटैक है जो अभी मैंने किया था, उसमें ज़्यादा कुछ मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मैंने कीज़ भी अभी ऐसे सेट किए हैं, मेरे आराम के हिसाब से मैंने कीज़ सेट की हुई है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे अटैक्स हैं जिसके लिए हम लोग को फिंगर क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब यार जेड इधर है, एक्स इधर है, सी दूसरा, उसके बाद बी। तो जेड और सी को यूज़ करने से अच्छा है कि सी और एक्स को यूज़ कर रहा हूँ मैं। और पास पास में आते हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस फिंगर्स के अंदर देने की ज़रूरत नहीं रहती। तो आपको बटन मैपिंग में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुलनेस देखनी पड़ेगी अगर आप ये वाले ऐसे गेम्स खेल रहे हो तो, और अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है तो। तो बड़े अटैक्स भी हम लोग ज़रूर परफॉर्म करने वाले हैं इन अ फ्यूचर, क्योंकि बड़े अटैक्स के लिए मैं बटन मैपिंग का सोच रहा हूँ फिलहाल। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे से, अभी ये रैपिड फायर वाला अटैक भी इजीली काम करने लग गया है मेरा। एक्स बटन को मैंने रैपिड फायर दे दिया है, और प्लस जेड और एक्स को मैंने पावर अप के लिए भी दे दिया है। तो हम लोग 7 ग्रेड पे फटाफट पहुंचने वाले हैं। ऐप को मैंने ये जो मल्टीपल अटैक्स है वो असाइन किए हुए हैं, और बचा कामेहामेहा जैसा चीज़। तो कामेहामेहा का भी नेक्स्ट एपिसोड में मैं कुछ ना कुछ तो एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आऊँगा। अगर आपको चाहिए कि मैंने कैसे बटन मैप किए हुए हैं तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके पास कंट्रोलर नहीं है और आपके पास फिलहाल बजट नहीं कंट्रोलर लेने जैसा, तो मैं डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन दूंगा कि आप ऐसे गेम कैसे खेल सकते हो विद बटन मैपिंग। तो उसके लिए भी अलग वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये स्क्रीनिंग वाला अटैक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे फ्रीजा ही बची हुई है जिसका 271 बचा है, लेकिन अच्छी खासी फ्रीजा फाइट दे रही है, और इसी के साथ एक एक्स्ट्रा मूव और फ्रीजा यहाँ पे चली जा चुकी है। मैं कामेहामेहा से ख़त्म करने की सोच रहा था, लेकिन कामेहामेहा के लिए कुछ अलग चीज़ चाहिए जिसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और गोहान को इसी तरह से हम लोग ने रेस्क्यू कर लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी कुछ भी चीज़ बची हुई नहीं है। तो सिनेमैटिक जरूर प्ले होने वाला है। So obviously बात है, गोहान को बुलमा के शिप पे रख दिया गया है। Dad, you're here. And so's Piccolo. Hey there, Gohan. Doesn't look like there's a scratch on you anywhere. Goku, can't you show a little more concern for your son's well-being? I guess, but Gohan's pretty strong. He looks like he's ready to fight. Besides, you should know that. I mean, you're the one who's been training him recently. Yeah, but he's still got a lot to learn. So,
Bulma told me what happened. I want to fight too. I'm ready. Yeah, I've been looking forward to fighting alongside Gohan. Here's the thing. But I know you've linked with Dad and the others to fight and everything, but I should apologize. I feel bad that you got dragged into all this. From now on, I'll be fighting too. But we're still gonna need your help. So Gohan बहुत ही sensitive बंदा है, अच्छे से बात की उस बंदे ने, लेकिन अभी क्या है ना, आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है। गोहान को तो ऐड करने वाले हम लोग टीम के अंदर, तो मैं क्रिलिन को निकालने की सोच रहा हूँ और गोकू और पिकलो और गोहान रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड में टीम के अंदर। तो आज का एपिसोड यहीं पे रैप अप कर रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या गोहान अभी भी सुपर सैन मोड में जा सकता है? मतलब अभी जो टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ उसके अंदर तो गोहान बिल्कुल भी सुपर सैन मोड के अंदर गया नहीं, वो अपना वही वाला अनलॉक पावर से उसके अंदर ही रह गया था। तो आपको लगता है कि गोहान अभी भी सुपर सैन मोड में जा सकता है तो कमेंट कीजिएगा मुझे जल्दी से जल्दी। और अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में चेकआउट करेंगे किसको बचाना है। वैसे वेजिटा बचा है और जो कैरेक्टर मैं जानता हूँ गोटेन ट्रंक्स बचे हुए हैं, और कोई बचा है तो पता नहीं, और बड़े वाले मिशन भी होंगे जिसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, उसके साथ साथ आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर करके। और अगर आपको कोई गेम प्ले देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा, वो गेम प्लेस मैं लेके आऊँगा, ज़रूर लेके आऊँगा। और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए रहेंगे तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, उससे रिलेटेड भी मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, और देखते रहिएगा नेक्स्ट ऑसम सा ड्रैगन बॉल फाइटर्स ज़ी का एपिसोड।